और रेहन पंचायत का आखिरकार 2 साल का जो कोरम था वो हो गया है। हालांकि रेहन पंचायत के इस कोरम के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। क्या है मामला, कैसी पंचायत की, कैसा कोरम था, किस तरह की मशक्कत हुई, ये रिपोर्ट में देखिए। उपमंडल फतेहपुर के तहत रहन पंचायत में ग्राम सभा की बैठक हुई। लगभग 2 साल के लंबे समय के बाद आखिरकार ग्राम सभा का कोरम पूरा हो ही गया। बैठक में फतेहपुर के एसडीएम बलवान चंद, मंडोत्रा, बीडीओ ज्ञान प्यारी, पंचायत समिति के चेयरमैन सुरेंद्र कुमार शर्मा मौजूद रहे। ग्राम सभा में कोरम पूरा होने पर पंचायत प्रधान रमेश कुमार शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया और विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने की बात कही। मेरे को ये लगा कि कोरम पंचायत, क्योंकि गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन है और जो गाइडलाइंस है उसमें ग्राम सभा का कोरम होना बहुत जरूरी है, और ये मेरे ख्याल से इस क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत है। इसमें लगभग 5,000 के लगभग की पॉपुलेशन है, और यदि इसका कोरम करना भी है तो कितनी हमारे को जद्दोजहद करनी पड़ती है, इसलिए इसका कोरम पूरा होता है। तो इस ग्राम सभा में ये भी एक मुद्दा रहेगा कि इतनी बड़ी ग्राम सभा को चलाना जो है वो एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है प्रशासनिक तौर से। तो इसको क्यों ना इसको 2 ग्राम सभाओं में इसका ग्राम पंचायत में इसका। इस दौरान पंचायत समिति के चेयरमैन सुरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि इस पंचायत का विभाजन करने के बजाय इसे नगर पंचायत का दर्जा मिलना चाहिए। पंचायत प्रधान रमेश कुमार शर्मा और पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि यहां नगर पंचायत बनाने, 2 पंचायतें बनाने की मांग उठ रही है। आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि अब कामों की रफ्तार जो है वो धीमी नहीं पड़ेगी, वो तेज गति से जो है वो काम होंगे। इस कोरम में रहन में सफाई व्यवस्था, बंद पड़ी लाइट, रहन बाजार में गंदगी से भरी नालियां साफ करने, पंचायत के अलावा अन्य कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई, जिन्हें जल्द हल करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर लोगों ने अपनी समस्याओं को पंचायत के समक्ष रखा। फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।